माई नेम इज़ मोहम्मद जैन, फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम श्री रामसुम मेमोरियल यूनिवर्सिटी। अगर आपको हमारे बारे में ज्यादा जानना है अगर, तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके सिर्फ ये सर्च करिएगा, एम मोहम्मद स्पेस ZAI। बस आप सर्च पे ये डालिएगा, हमारे बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज जो डिस्कशन होने वाला है आज के लिए, तो डिस्कशन है वो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर। हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं शेयर फोर्स, अभी फुल फॉर्म में लिख दे रहे हैं प्लस शेयर फोर्स ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म में ऐसा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो आज बेसिकली जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो कैंटिलीवर बीम का ही कर पाएंगे, ठीक है, ड्यू टू द टाइम रिस्ट्रिक्शन। तो आप यहाँ पे हम जो है आपके लिए कैंटिलीवर बीम पहले बना देते हैं, और इसमें देखिए सबसे पहले हम चलिए बीम के बारे में आपको बता दें। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम, बेसिकली पांच टाइप की आपकी बीम रहती है। पहले फर्स्ट वन इज योर कैंटिलीवर बीम, सेकेंड वन इज योर सिंपली सपोर्टेड बीम, थर्ड वन इज योर ओवरहैंगिंग बीम, फोर्थ वन इज योर फिक्स्ड बीम, फिफ्थ वन इज योर कंटिन्यूअस बीम। जल्दी से फिगर हम बना दे रहे हैं यहां पे कैंटिलीवर बीम का। कैंटिलीवर बीम को वैसे ये बना हुआ है, अगर इसमें हम यहाँ पे पॉइंट लोडिंग लगा देते हैं तो ये कैंटिलीवर बीम की तरह काम करते हैं। यहाँ पे डिनोमेशन दे देते हैं ए बी, और अगर बीच में आप सेक्शन कट करना चाहें तो सी। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए आपका जो फिगर बनता है इस टाइप से, हमने अभी सिर्फ पॉइंट लोड की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, अभी हम कॉन्सेंट्रेटेड और वेरिंग लोड पे नहीं जा रहे। ठीक है, तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम की आपकी फिगर हो गई। उसके बाद ओवर हैंगिंग बीम के लिए सिर्फ सिंपली सपोर्टेड में, चाहे राइट हैंड साइड और इधर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन एक्सटेंड इट। ठीक है, अब आप चाहे लोडिंग जो है आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप चाहे कहीं पे भी लोड लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं कि रियल लाइफ एप्लीकेशन में कहां पे लोड लगने वाले हैं। ठीक है, जहां पे आपको क्वेश्चन में दिया होगा वहीं पे आप लोडिंग एज्यूम करें। फिर नेक्स्ट वन इज योर फिक्स बीम। फिक्स बीम में क्या होता है, दोनों एंड से आपकी बीम जो है वो फिक्स रहती है। ठीक, एंड द फिफ्थ वन इज योर कंटिन्यूअस बीम, इसमें भी आप लोडिंग कहीं पे भी लगा सकते हैं। कंटिन्यूअस बीम में देख लीजिए जो है मल्टीपल सपोर्ट्स रहेंगे। अब इन सब बीमों, ये सारे पांचों बीम हैं आपके पास, इनमें आप चाहे लोड कहीं पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, कहीं पर आपको जो एनालिसिस होगा वो अकॉर्डिंग टू द गिवन लोड होगा। अगर आप रियल लाइफ पर्पस की अगर आप बात करें तो वहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हम एनालिसिस में अपनी या बेंडिंग मोमेंट या शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हुए वो चीज अज्यूम नहीं करेंगे, वो है सेल्फ वेट। सेल्फ वेट को अभी हम निग्लेक्ट मान के चलेंगे। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे अभी सिर्फ हम जो है कैंटिलीवर बीम का यहाँ पे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या शेयर फोर्स बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे डब्ल्यू जो है आपका एक फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, जब भी आपको किसी चीज का भी अगर शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या करिए, हमेशा एक सेक्शन कट करिए, और सेक्शन से वहीं पे ही कट करना है जहां पे आपकी लोडिंग चेंज हुई। ये आपको बाय विजुअल एनालिसिस से पता करना होगा। जैसे यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हमारा लोड W लगा हुआ है, एट द एंड फ्री एंड पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब अगर हम सिर्फ एक ही सेक्शन कट करेंगे अगर मान लेते हैं, तो आई थिंक दिस सेक्शन जो है वो हमारे लिए फिजिबल हो जाएगा, मतलब कि कैलकुलेशन हमारी इसी सेक्शन के कट होने पर लग जाएगी। अगर मान लेते हैं यहाँ पे मल्टीपल लोडिंग होता, अगर मान लेते हैं यहाँ पे आपने यूडीएल लगा दिया, यहाँ पे आपने यूडीएल मान लेते हैं, दिस इज स्मॉल डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तब क्या होता है इस केस में, इस केस में आपके मल्टीपल सेक्शन कट होते हैं, मीन्स उसे तब आप एक बार सेक्शन यहाँ पे कट करके एनालिसिस करते शो करते क्या रिएक्शन आ रहे, क्या आपकी इक्वेशन बने, फिर एक बार सेकेंड आप जो यहाँ पे कट करते। ठीक है,
एंड द थर्ड वन जो आपका सेक्शन बन के आता है वो यहाँ पे आता है। ठीक, तो ये तो सेक्शन कट करने के बारे में बात हो गई, लेकिन फिलहाल के लिए जो हमारी जो कंडीशन है वो अभी के लिए हम इसी कंडीशन को लेने वाले हैं। ठीक है, अब इस सेक्शन को हमने कट किया यहां से यहां तक कि हम डिस्टेंस एक्स ले लें। ठीक है, सबसे पहले शेयर फोर्स के बारे में जान लेते हैं। शेयर फोर्स यहां पे डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं एसएफडी, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं शेयर फोर्स के लिए। एसएफडी का रिप्रेजेंटेशन शेयर फोर्स डायग्राम से है। ठीक है, तो शेयर फोर्स डायग्राम के लिए अब आप यहां पे क्या करेंगे, इसके पैरेलल में ही आप जो है लाइन खींच दीजिए। एक बेस लाइन बना लीजिए, और पहले अब हम डायग्राम बनाने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं, साइन कन्वेंशन। ठीक है, अगर आपका ये हमने सिर्फ बीम को कट किया है, जहां पे एक्स यहां पे जो लगाया है वहां पे हमने क्या किया, सिर्फ बीम को कट कर दिया है, तब आप यहां पे अगर आप देखिएगा तो आपका जो राइट हैंड पोर्शन है वो नीचे की तरफ जाना चाह रहा है। ठीक है, राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है वो नीचे की तरफ जाना चाह रहा है, पर आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला कह रहा है कि हमें वही ऊपर ही जाना है। ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा, स्ट्रक्चर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं पे भी फोर्स लगेगा तो उसको रेजिस्ट करेंगे, और रेजिस्ट कब तक करेंगे, जब तक आपकी जो है बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अगर इस बॉडी को स्टेबल रहना है अगर, तो वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा। अगर इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा मीन्स उसे ही हैज टू रेजिस्ट दिस फोर्स, उसको ये फोर्स रेजिस्ट करना ही पड़ेगा, अगर रेजिस्ट नहीं करेगा तो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइन कन्वेंशन को हम लोग निगेटिव लेते हैं। अब आप कहेंगे सर निगेटिव ही क्यों लेते हैं, मत लीजिए निगेटिव। ठीक है, आपकी क्लासरूम है, आप इसको पॉजिटिव लेना चाहे पॉजिटिव ले लीजिए। ठीक है, पर आप आज के बाद से जब भी कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो फिर इसको पॉजिटिव ही मान के चलिएगा। ठीक है, निगेटिव लेने की आपको कोई जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम जो है इसको हम निगेटिव मान रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, नेक्स्ट कंडीशन इसके जस्ट अपोजिट बनने वाली है, उसमें भी सेम चीज कर दे रहे हैं। अब देखिए ये केस हमने बना दी, इसमें इस साइड के लिए बॉडी आपकी अप साइड जाना चाह रही है और सेकेंड साइड पे जो है बॉडी आपकी डाउन साइड जाना चाह रही है, तो इस केस में जस्ट अपोजिट हो रहा है, तो ये आपकी कंडीशन पॉजिटिव हो गई। ठीक है, अब समझ लेते हैं शेयरिंग होता क्या है। ठीक है, शेयरिंग में जैसे मान लेते ये एक बॉडी है आपकी। ठीक है, अब बॉडी पे क्या हो रहा है, अगर हम इस साइड फोर्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है इसके इंटरनल पार्टिकल इस फोर्स को रेजिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस जो है मान लेते हैं ये मान लेते हैं एज अ बीम है। ठीक है, अब ये जो दोनों बॉडी आपस में अटैच है, हमने यहां पे फोर्स लगाया, अब ये दोनों आपस में रेजिस्ट कर रहे हैं इसके अपोजिट साइड, एक साइड की बॉडी डाउन साइड जाने चाह रही, एक साइड की बॉडी अप साइड जाना चाह रही, दिस इज कॉल्ड शेयरिंग इफेक्ट। ठीक है, ये शेयरिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है अब यहां पे देखिए एक ही लोड लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये लोड जो है इस बीम में पूरे ओवरऑल बीम में ट्रांसफर हो रहा होगा, तो ओवरऑल पूरे बीम में जो शेयरिंग इफेक्ट आ रहा है वो डब्ल्यू ही आ रहा होगा सिर्फ, पर ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ऑब्वियस सी बात है इन साइन कन्वेंशन से आप देखिएगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लोड इस साइड नीचे की ओर आना चाह रहा है, पर जो इंटरनल बिल्टअप स्ट्रक्चर का है जहां पे फिक्स्ड है वो क्या करना चाह रहे हैं, वो अप साइड जाना चाह रहे हैं, तो डब्ल्यू कहां पे लगा है आपका इस साइड, तो मतलब हम निगेटिव सेक्शन में जाएंगे। अब यहां पे हमने निगेटिव नीचे वाले ये हमने पहले बेस लाइन ड्रॉ कर ली, इसके जो डाउन साइड है वो निगेटिव है, जो अप साइड है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो डाउन साइड में हम निगेटिव मानेंगे, तो डाउन साइड में हम चले आए डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू सिर्फ लोड लग रहा है। ठीक है, अब यहां से ऑब्वियस सी बात है कोई लोडिंग में चेंजेस नहीं है, एंड इट्स अ पॉइंट लोड, तो स्ट्रेट लाइन चली जाएगी और ये हो गया आपका शेयर फोर्स डायग्राम, निगेटिव में यहां पे आ गया आंसर आपको डब्ल्यू। ठीक है, ये तो हो गया आपका शेयर फोर्स डायग्राम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए सिंपली आपको यह करना है, कैंटिलीवर केस में आपको मोमेंट निकालना है। मोमेंट क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, दैट इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ये ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, हमेशा से आप लोग देखते हुए आ रहे हैं। तो फोर्स यहां क्या लग रहा है, डब्ल्यू लग रहा है। अब यहां पे ओवरऑल लेंथ आप मानिए एल। ठीक है, लेकिन अब देखिए हमने सेक्शन कट किया एक्स डिस्टेंस पे, अब कितना लोड होगा एक्स डिस्टेंस तक के लिए, अगर एक्स पे अगर आप मान लेते हैं इसको सी मान लेते हैं, सी पोजीशन पे अगर आप मूवमेंट निकालना चाहें तो वो क्या होगा, डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एक्स, चलिए हम यहां पे लिख दे रहे हैं एम एट एम शॉर्ट फॉर्म है मूवमेंट के लिए, मूवमेंट एट सेक्शन सी।
ठीक है, तो सी पे क्या होगा, यहां पे लिख दे रहे हैं एम एक्स लिख दे रहे हैं, दिस विल बी डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एक्स, दिस विल बी योर मूवमेंट। अब देखिए एक्स कहां से कहां तक वेरी करेगा, देखिए एक्स जीरो भी हो सकता है जो आपकी फ्री एंड केस का बनेगा, और एक्स आपका एल भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्स जब जीरो होगा ऑब्वियस सी बात है मूवमेंट की वैल्यू क्या आने वाली है, जीरो आने वाली है। व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो आप मल्टीप्लाई करिए, देखिए ये लीनियर फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। जब भी कोई चीज अगर एक्स से मल्टीप्लाई हो रही है, एक्स स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है यहाँ, यहाँ कोई स्क्वायरिंग टर्म नहीं है, आप सिर्फ लीनियर है, तो इसका मतलब शेयर फोर्स के लिए क्या हो रहा था, आपका सिर्फ डब्ल्यू आ रहा था, उसमें कोई वेरिएबल था ही नहीं। जब वेरिएबल था नहीं तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन आ गई थी, ठीक है, इंक्लाइन नहीं होती क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं है वहां पे, विद डिस्टेंस कुछ चेंजेस हो ही नहीं रहे। पर मूवमेंट में अगर आप देखें, अगर आप मूवमेंट के लिए विद डिस्टेंस में इफेक्ट आया था, क्योंकि आप जानते हैं मूवमेंट क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो यहां पे देखिए जब आपकी डिस्टेंस जीरो है तो वहां पे आपका कोई मूवमेंट है ही नहीं, ठीक है। जब आपकी डिस्टेंस एल है, व्हेन एक्स इक्वल्स टू एल, यहां पे एम ए लिख दे रहे हैं एट पॉइंट ए के लिए, ठीक है, योर मूवमेंट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, विल बी डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय। तो मतलब कि अब आप ये देखिए एक्स के साथ जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका मूवमेंट ज्यादा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे अगर यहां पे हम लिख दे रहे हैं एस एफ डी, दिस विल रिप्रेजेंट शेयर फोर्स ड्राइव, अगेन फिर बेस लाइन बनाई हमने। अब यहां पे आप लोग एक सवाल पूछ सकते हैं, सर इसमें क्या साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, ठीक है। इसके लिए जो साइन कन्वेंशन हम यूज करने वाले हैं, हॉगिंग के लिए हम लोग नेगेटिव जा रहे हैं, ठीक है। हॉगिंग के लिए अगर आपका कोई भी अगर लोड लग रहा है, इस साइड अगर आपका कोई भी अगर लोड लग रहा है और वो आपकी बीम का अगर शेप अगर हॉगिंग शेप में बना दे रहा है, दैट विल बी कंसिडर एज नेगेटिव। फिर समझिएगा, मान लेते हैं ये एक फाइल है, हमने इसको एक साइड से फिक्स कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, दूसरी साइड पे लोड लगाया, तो देखिए क्या ये हॉगिंग बना रहा है, ठीक है, ये हॉगिंग बना रहा है। तो इसका मतलब हम लोग साइन कन्वेंशन क्या यूज कर रहे हैं, नेगेटिव। अगर मान लेते हैं यही सिंपली सपोर्टेड बीम का केस लेते हैं अगर, और बीच में अगर लोड लगाए, तब ये क्या बनाता, तब ये आपका सैगिंग बनाता, और सैगिंग वाले पोर्शन को हम लोग पॉजिटिव लेने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब कि हॉगिंग के लिए नेगेटिव, और यहां पे हमने क्या किया, सैगिंग के लिए बना दिया। अगर आपकी बीम का शेप अगर ऐसा बनने वाला है, देन दिस विल बी, यू विल बी टेकिंग दिस एज पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारे फिक्स्ड वाली बीम के लिए अगर आप देखिए, तो फिक्स्ड बीम के लिए अगर आप देखेंगे तो ये आपका कौन सा शेप बना रहा है, आपका ये शेप बना रहा है, यहां पे देखिए ये आपका जो है हॉगिंग शेप बना रहा है, इट मींस कि ये नेगेटिव में जाने वाला है, ठीक है। पर अब पॉइंट देखिए, पॉइंट एट बी क्या बेंडिंग मोमेंट आ रहा था आपका, जीरो, यहां पे जीरो लिख दिया, ठीक है। अब पॉइंट देखिए ए, चलिए सी पॉइंट भी ले लिया, कह दिए सर आपने सी पॉइंट तो लिया, लीजिए हम सी पॉइंट पे भी सेक्शन कट कर दे रहे हैं, ठीक है। पॉइंट एट सी, अगर आपको वेरिएबल मेंशन करना अच्छा रहता सवाल में, अगर आप मेंशन कर देते हैं कि आप जो भी डेरिवेशन डिराइव कर रहे हैं, तो एट सी पे क्या रहा है, डब्ल्यू एक्स आ रहा है, वैसे इसको रिप्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल वेरिएबल एक की पॉइंट लोड की जरूरत है, तो आप रिप्रेजेंट नहीं भी करेंगे कोई इशू नहीं, क्योंकि आपको डिस्टेंस पता ही नहीं, ठीक है। अब एट पॉइंट ए देखिए, पॉइंट ए पे डब्ल्यू एल आ रहा है, पॉइंट ए पे डब्ल्यू एल आ रहा है। अब हमने डाउन साइड ही किया है, क्योंकि हमको पता है कि हमारी बीम क्या बना रही है, हॉगिंग शेप बना रही है, ठीक है। तो हम डाउन साइड चले गए, तो हमने यहाँ पे एक सेक्शन कट किया, और यहाँ पे अब आपको यह पता है कि आपकी जो वेरिएशन हो रहा है वो सिर्फ एक्स के टर्म में हो रहा है, जब एक्स के टर्म में सिर्फ और सिर्फ एक्स के टर्म में हो रहा हो, एक्स स्क्वायर में नहीं, एक्स क्यूब में नहीं हो रहा हो, जब एक्स के टर्म में वेरिएशन होता है मूवमेंट का, तो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन से ही शो किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर से बोल दे रहे हैं, अगर सिर्फ एक्स के टर्म में वेरिएशन हो रहा है तो वो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। तो यहां से इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ कर दी, एंड दिस इज योर नेगेटिव। तो ये हो गया आपका शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ऑफ ए कैंटिलीवर बीम सपोर्टेड एट द एंड सपोर्ट, एंड सपोर्ट का मतलब फ्री एंड पे जो सपोर्टेड है उसके लिए ये केस आपका बन गया, ठीक है। तो यहां पे कुछ चीजें आपको याद रखनी होंगी, पहली बात सेक्शन कट करके आप जरूर एक्स के टर्म में पहले बना लीजिए, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अगर कहीं पे भी डिराइव करना हो वहां पे बहुत इजी हो जाए कि वहां पे आपकी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन लगेगी कि नहीं। अगर आपको यहीं पे अगर एक्स स्क्वायर के टर्म में आ जाता मूवमेंट का वेरिएशन किसी भी तरीके से, जो वैसे कैंटिलीवर के केस में नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि जो है हमने सिर्फ पॉइंट लोड लिया है, पॉइंट लोड भी कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग कॉन्सेंट्रेटेड लोड कह देते हैं, पर यह फैक्ट है कि दोनों चीजें रियल लाइफ के लिए गलत है,
एकदम एब्सर्ड है। आप पॉइंट लोड को कभी डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप, चलिए हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, हम हमेशा अजम्पशन पे चलते हैं, पूरी सिविल इंजीनियरिंग पूरी अजम्पशन पे, पर वो अजम्पशन के बाद एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी जरूर लगाते हैं। वो इसी वजह से फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं क्योंकि वो उन सारी चीजों को कवर अप कर जाती है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे इसकी निब टच करना चाह रहे हैं, ये एक निब है और हम यहाँ पे सिर्फ टच, तो आप ये कह सकते हैं कि एक पॉइंट पे लग रहा है, नहीं आप एक पॉइंट को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन जब हम कह रहे हैं पॉइंट लोड, तो उसको एज अ एजम्पशन के तौर पे कह रहे हैं कि पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक है, पर वो पॉइंट लोड नहीं होता, ठीक है। तो उसकी सिनेरियो में आपका एक्स टर्म आ रहा है, लेकिन अगर यहीं पे यूडीएल लग रहा होता, मान लेते हैं यहीं पे अगर यूडीएल लग रहा है आपका, अगर यूडीएल लग रहा होता तब यहां पे एक्स नहीं आता, उसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्क्वायरिंग के टर्म में आपका चला जाता है, ठीक है, तो वो हम लोग केस नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन कर लेंगे। फिलहाल के लिए अभी आप ये याद रखिए, इसका शेयर फोर्स डायग्राम ये आने वाला है, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये आने वाला है। तो आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कशन किया है वो ये डिस्कशन किया है कि पॉजिटिव कब लेना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, नेगेटिव कब लेना है, और कैंटिलीवर का अगर फ्री एंड पे सपोर्ट पे अगर आपका कोई भी डब्ल्यू लोड लग रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।